अब मैं अगले स्पीकर को दावा देने से पहले कुछ वजाहत कर दूँ कि चूँकि LEC चुविंडा के कंटेस्टेंट्स इस कंटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए जजेस की टीम वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि हमने वो जजेस बाहर से दूसरे स्कूलों से लिए हैं। और इसी वजह से हसन स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल, जिनकी बहुत मेहरबानी है, नवाजिश है हम पर, कि उन्होंने अपने स्टाफ को, अपने टीचिंग स्टाफ को जजमेंट कमेटी के अंदर रखा, अपने टीचर्स को भेजा हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। तो हमने हसन स्कॉलर पब्लिक स्कूल के बच्चों को कंटेस्ट में शिरकत करने की फिलहाल हमने माजरत की थी, सिर्फ इस वजह से कि जज तो वैसे भी न्यूट्रल होता है, लेकिन फिर भी ये कि चूँकि उनकी टीम में से जजेस या जजिंग स्टाफ था, इंशाल्लाह हम अभी प्रोग्राम जैसे आगे बढ़ता है, हम हसन स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी तशरीफ फरमा है यहाँ पर, और हमारे नहायत ही मोहतरम उस्ताद जो कि इंदौर में इस्लामिया स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोहतरम वकार भट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी भी तकरारी, उनका भी एड्रेस शामिल है। और यूनिक पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए गजनफर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका भी यहाँ पे इसमें एजेंडा में वक्त ही है, वो भी अपनी वो कर सकेंगे। और फिलहाल कहने का मकसद था कि अगर हमने अपने तौर पर कोशिश की है कि प्रोग्राम को जितना भी न्यूट्रल और मुनज़म बनाया जा सके, फिर भी अगर कोई कमी होता ही पहली होगी तो आप अपने अपने शिकवा का इजहार कर सकते हैं। अब मैं अपने अगले कंटेस्टेंट को दावत देता हूँ, जो कि एक नन्ही मुन्नी बच्ची है, विद योर थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर एप्रिसिएशन वेलकम ज़ैनब अली, हु इज रिप्रेजेंटिंग द लर्नर्स हाई स्कूल चुविंडा। जो ऐसा
शिकवा करेगी।